482 क्वेशिंग मैटर में सुप्रीम कोर्ट से राहत। यस दोस्तों, बहुत अच्छी राहत सुप्रीम कोर्ट में एक केस में ईश्वर की दया से हम ले पाए और वो स्टोरी रूप में हम आपको समझाएंगे। पहले ये समझाएंगे कि A482 क्वेशिंग मैटर क्या होता है। तो कुछ लोग फालतू के लिटिगेशन करते रहते हैं, फालतू के केसेस डालते रहते हैं और ऐसे केसेस चलाने में जो जुडिशियल टाइम खराब होता है, ये अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्ट हाईकोर्ट में सीआरपीसी 482 के अंदर क्वेशिंग पिटीशन डाल दें। अगर हाईकोर्ट को लगा कि सही में ये केस बेकार का है तो हाईकोर्ट क्या करता है, नीचे का एफआईआर हो या जो भी केस हो वो पूरा की पूरा क्वेश कर देता है। फिर जुडिशियल टाइम भी सेव होता है और जो एग्रीव्ड पार्टी है वह एग्रीव्ड पार्टी को भी राहत मिल जाती है। लेकिन एक केस में क्या हुआ, जैसा डॉक्टर नीली का केस है, ये डॉक्टर नीली अभी अमेरिका में रहते हैं लेकिन इनका कुछ साल पहले कर्नाटक में शादी हुआ और जो उनकी वाइफ है वो और वो दोनों लंदन चले गए। लंदन के बाद वो अमेरिका गए, मीनवाइल उनका झगड़ा हुआ, बाद में कॉम्प्रोमाइज करके डिवोर्स हुआ और ये सब होने के बाद उनके एक्स वाइफ ने भारत में आके उनके खिलाफ 498A का केस किया। अभी 498A में डोमेस्टिक वायलेंस डाउरी एक्ट सेक्शन 3-4 ऐसा वो पूरा केस था। मैं टेक्निकल भाषा में नहीं बताऊंगा, मेरे पास पूरा पिटीशन है, पूरा उसका ऑर्डर भी है। अगर आप कोई पिटीशन देखना चाहते हैं, ऑर्डर तो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो लिंक से आपको वो पूरा पिटीशन और उसका ऑर्डर जो है ऑर्डर में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। उस पूरा इंग्लिश में रहता है क्योंकि हमारे अपेक्स कोर्ट में इंग्लिश ही पूरा चलता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम हिंदी या किसी अलग लैंग्वेज में नहीं डाल सकते। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 का जो रूल्स है उसमें दिया हुआ है। तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया, सब हो गया, डिवोर्स हो गया, दोनों को भी बच्चे हैं, नए शादी भी इन्होंने की, तो भी एक्स वाइफ तकलीफ दे रही थी और उनको फिर अमेरिका से आना, वो नीचे के कोर्ट में हाजिरी लगाना, उन्होंने एप्लीकेशन दिया नीचे के कोर्ट में, भाई हमारे कॉम्प्रोमाइज हुआ है आप एक केस खत्म करो, लेकिन नीचे के कोर्ट ने नहीं माना, ट्रायल कोर्ट ने। फिर उन्होंने 482 क्वेशिंग मैटर डाला कर्नाटक हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी ठीक से नहीं सुना, फिर वो मैटर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आया। मैंने देखा, हमारे टीम ने उसको अच्छा ड्राफ्ट किया, सब किया, केस मैंने आर्गू किया और बहुत अच्छा नतीजा उसका निकला। और अभी के जो चीफ जस्टिस हैं धनंजय चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने उस समय वो चीफ जस्टिस नहीं थे, सीनियर मोस्ट जज थे, और उनके सामने इसका हियरिंग हुआ, आर्गूमेंट हुआ और बहुत अच्छा ऑर्डर आया। और ये क्वेशिंग जो है 482 जो हाईकोर्ट ने नहीं किया था वो क्या क्वेशिंग सुप्रीम कोर्ट ने करके राहत दी। ऐसी ये स्टोरी है दोस्तों। अभी मैं उसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाता हूँ और साइड बाय साइड आपको स्क्रीन पे दिखेगा और इसका ऑर्डर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर नीली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और जो रिस्पोंडेंट है और एक लेडी वो भी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा किसी का बदनामी करना होता है। वैसा तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, नेट पे अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, बट एक मेरे प्रोफेशनल इथिक्स है कि मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। बाकी पेटिशनर लॉयर में मेरे नाम जयप्रकाश सोमानी, शोभा सोमानी, बिनिशा मोहंते, रजनीश कुमार, ममता रानी, आयुष्मान वसिया, निर्मल चोपड़ा एवार, अक्षा सहार, ये सब मेरे कलीग्स पेटिशनर में है। और इसमें ऑर्डर में फर्स्ट थोड़ा डिले था लेकिन डिले ऑनरेबल बेंच ने कंडोन कर लिया। ऑनरेबल बेंच में दो जजेस थे, एक डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरे डॉक्टर मिस्टर जस्टिस AS बोपन्ना। इसके तीन चार पैरा, चार पांच पैरा है, उसमें का पहला पैरा है डिले कंडोन, सेकंड पैरा में थोड़ा उन्होंने
इंफॉर्मेशन दिया है. द पिटीशन इंस्टीट्यूटेड अ पिटीशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 फॉर क्वैशिंग द प्रोसीडिंग्स इन सीसी नंबर केस नंबर वगैरह ऑन द फाइल ऑफ द फोर्थ एडिशनल जूनियर सिविल जज वारंगल. थर्ड पैरा है, द प्रिंसिपल बेसिस ऑन विच द ज्यूरिडिक्शन वॉज इवोक वॉज दैट द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बिटवीन द पेटिशनर एंड सेकंड रिस्पॉन्डेंट बोले तो उसको भाई फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट स्टेट रहता है क्रिमिनल केसेस में, हैड एंडेड इन अ डिक्री ऑफ डिवोर्स एंड ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमनी एंड दैट कॉन्सिक्वेंटली द एंड्स ऑफ द जस्टिस वुड नॉट बी सबसर्व बाय परस्यूइंग द प्रोसिक्यूशन फॉर offences under section 498 of the Indian Penal Code and section 3 and 4 of the Dowry Provision Prohibition Act. Recently I published one book on Dowry Prohibition Act's leading cases of Supreme Court. You can see that book on Amazon, Flipkart by just typing Jayaprakash Somani books, so you can get that. And if possible, I will tell my assistant to put the link of that book also in the description. A single judge of the High Court of Telangana disposed of the petitioner with the observation that if the parties have compromised the list, they can do so before the trial court in the accordance with law. अभी जब compromise deed दिखता है, सब दिखता है, तो High Court ने वो quash करना चाहिए था, लेकिन High Court बोलता है वापस trial court में जाओ. तो वापस ट्रायल कोर्ट में भेजने की जगह पे डायरेक्ट फिर वो केस हमने सुप्रीम कोर्ट में ले लिया और बहुत अच्छी राहत ये पिटीशन में मिली है. थोड़ा सा हिस्ट्री उन्होंने दिया है. द मैरिज बिटवीन द पिटीशनर एंड द सेकंड रिस्पोंडेंट वाज सोलेमनाइज्ड एट वारंगल ऑन 18th मई 2006. इनिशियली आफ्टर देयर मैरिज द पार्टीज लिव्ड इन द यूनाइटेड किंगडम where the petitioner was working as a doctor. Thereafter, the second respondent went to the US to pursue postgraduate studies. Unki jo wife thi, wo US mein bhi wo chali gayi. Aur baad mein ye bhi US chale gaye. Fifth, the petitioner instituted a divorce proceedings before the principal civil judge Rangareddy in or around October 2008. The second respondent instituted a private complaint being a criminal case number so and so, which is stated to have been compromised between the district legal services authority at Warangal. Parties left for the US. Dispute between them record again and proceedings took place before the courts in the US. The second respondent lodged FIR number so and so in 2010, dated 18th December 2010, before the Women's Police Station, Warangal, for offences punishable under Section 498A of the Indian Penal Code and Section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act against the petitioner A1. His parents A2 and A3 and siblings A3 and A2, A3 to A6. So, six, in the meanwhile, a separation agreement was entered into by the petitioner and the second respondent before the probate and family court of Commonwealth Massachusetts in US on 31st July 2013, the divorce between the petitioner and the second respondent was finalized in terms of separation agreement on 4th November 2013. After the divorce, which the parties have obtained the mutual consent, both of them have remarried and have children of their own. उनके divorce भी हो गया, वो दोनों ने शादी भी किया, दोनों के बच्चे भी हैं, उसके बाद भी एक सासबंड को तकलीफ देना, ये कितनी cruelty है दोस्तों, देखो ना कैसे है. कैसा चल रहा है हमारे देश में. सेवंथ, FIR नंबर 200 ऑफ 2010 वाज क्वैश्ड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट. पहला जो FIR है वे अगेंस्ट ये 2000 FIR नंबर 200 ऑफ 2010 वाज क्वैश्ड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट A3 टू A6.
the siblings of the petitioner. The additional judicial magistrate first class Warangal was acquitted, A2 and A3. The parent of the petitioner, तो जितने बाकी रिस्पॉन्डेंट थे वो एक्यूज थे वो निकल गए इसमें से, कोर्ट ने निकाल दिया ऑन 21 May 2018. The proceedings under the Domestic Violence Act being DV case number 2 of 2013 filed by the second respondent inter alia against the petitioner was dismissed by the additional judicial magistrate first class Warangal on 14 September 2018. It is in this backdrop that the petitioner was moved these proceedings aggrieved by the order of the High Court declining to quash the criminal proceedings. Notice has been issued in the proceedings on 4 April 2022. The office report indicates that the second respondent has duly served. No appearance has been entered on behalf of the second respondent. We have heard Mr. J. Prakash Somani, counsel appearing on behalf of the petitioner. The narration of the fact would indicate that dispute between the parties arose out of the matrimonial relationship. Parties have since separated and divorce are stated to have remarried. It would hence no longer be in the interest of justice to pursue the criminal proceedings any further. The judgment of single judge of the High Court for the state of Telangana, not Karnataka, Telangana, dated 10 April 2019 in the criminal petition number so and so is set aside. The proceedings in CC number 48 of so and so on the file of the fourth additional civil judge Warangal shall, in the circumstances, shall stand quashed. There shall be as an order in the above terms. The special leave petition is accordingly disposed of. Petition pending application if any stand disposed of. तो ये नीचे सब कोर्ट के नाम वगैरह हैं और सो सच टाइप ऑफ द केसेस आर देयर. काफी केसेस आते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान श्री कृष्णा के कृपा से और मेरे गुरु नानी पालकी वाला के प्रेरणा से मैं ये केस में अपेयर हुआ और अच्छी राहत मिली. और बहुत खुशी होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ, भारत के अलग अलग कोने के मैटर आते हैं, उनको राहत देते हैं, वो समझ लेते हैं, करते हैं. मैं खाली इतना ही बोलता हूँ कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर बहुत अच्छे हैं. खाली आप लॉयर ढूंढते समय डायरेक्ट कोर्ट में आके लॉयर मत ढूंढिए. आप लॉयर थोड़ा रेफरेंस दें, थोड़ा सा नेट पे सर्च करके, उनसे बात करके, जो आपका केस समझता है ये है, पैसे के पीछे ज्यादा नहीं है, आपके हित की बात प्रॉपर करता है, ऐसा है. कोर्ट के कैंपस में जाके अगर आप लॉयर ढूंढते हैं तो कभी कभी चीटर लोग के आप जाले में फंस जाते हैं और वो सस्ते के पहले चक्कर में आपको अटकाएंगे और बाद में बहुत सारा पैसा निकालेंगे. केस भी अच्छा नहीं होता है. टॉट्स बोलते हैं उसको, ऐसे टॉट्स भी काफी रहते हैं हमारे हर कोर्ट में भारत के ऐसे. तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा रेफरेंस से ही लॉयर ढूंढो. और कोर्ट बाई चांस आप सपोज आपने किसी लॉयर को कॉन्टेक्ट करके आप कोर्ट में उसको मिलने के लिए गए हैं तो फिर वहां पे उसको मिले बगैर बाकी किसी के साथ बात मत करो, नहीं तो मीठा मीठा बाल बोल के करके आपको फंसाएंगे, कुछ करेंगे. इतना मैं बोल रहा हूँ आपको. मेरे काफी वीडियो में मैं ये जानकारी देता हूँ ताकि आपका चीटिंग ना हो, ज्यादा सस्ते के चक्कर में ना पड़ो. ज्यादा महंगा चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है. रीजनेबल फी देने वाला, आपका दर्द समझने वाला, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देने वाला अगर लॉयर मिल जाता है तो वो आपका केस बहुत अच्छा ढंग से करेगा. बस इतना है. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, वंदे मातरम. चलो आपको मैं पूजा राय एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ. जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है. 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं जिसमें 5 AOR हैं. सोमानी जी लगभग सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सारे मैटर बखूबी हैंडल करते हैं. सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर 61 किताबें उनकी पब्लिश हुई हैं, जो Amazon और Flipkart पे उपलब्ध हैं. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं. अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।